वेलकम टू द अदर वीडियो गाइज। तो आज हम हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, तो हमें हॉस्टल अलर्ट हो चुका है। गाइज ये एक हमारा बेसिक रूम है जो कि बेनिट की तरफ से डबल शेयरिंग का है, और ट्रिपल शेयरिंग के लिए मैं अदर वीडियो डाल दूंगा। बाकी ऐसा रूम तुम्हें मिलेगा। और आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि थिंग्स टू नो बिफोर कमिंग टू योर हॉस्टल्स, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें कॉलेज आने से पहले लानी चाहिए जिससे तुम्हारा रूम थोड़ा ठीक लगे या जो भी कुछ कहो। तो आइए हम अपना तुम्हें अपना रूम दिखाते हैं, हमारा रूम कैसा है और क्या क्या चीज़ें तुम्हें लानी है। गाइज मैं ये मेरे दोस्त का रूम है, मतलब मैंने सोचा है कि अपने दो चार भाइयों से पूछूंगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी और क्या चीज़ें वो भुलाए जो उन्हें लानी चाहिए थी। तो आइए अपने भाई, सबसे पहले भाई से मिलते हैं, तो इनसे मिलिए। ये है हमारे कृष्णा भाई। तो कृष्णा भाई, आज हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, तो हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे कि तुम्हें हॉस्टल से आने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब उन्हें ज़रूरी हैं, ये भी बता दो आप बढ़िया से। भाई अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट चीज़ आने के लिए, तो जैसे लड़के लड़के कोई भी अपने अंडरगारमेंट सुखाते हैं तो आप हमेशा बाहर नहीं डाल सकते। जैसे हमारा तो कमरा था जैसे बालकनी के सामने वाला है, तो हम डाल भी सकते हैं, मगर उसके लिए भी अगर आपको चाहिए दो चार चीज़ सुखाने के लिए, तो आप एक तो ऐसा स्टैंड ला सकते हो ऊपर जैसा लग रखा है, ये स्टैंड है, इसमें धूप आती तो बढ़िया है, तो इस सिलिंग में से सूख जाते हैं छोटे बड़े कपड़े आपके छोटे मोटे जो होते हैं। उसके अलावा अगर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करूँ भाई, जैसे ये मेरी टेबल तो मैंने थोड़ी लगा रखी इस तरीके से, तो ये टेबल आती है ऐसी करके, जैसे आपने इससे पहले देखा होगा किसी भी वीडियो में टेबल ऐसे करके आती सीधे करके। हाँ भाई, तो उसमें अभी भी इस टेबल में इतनी लाइट नहीं है कि मैं कुछ लिख सकूँ यहाँ बैठ के। हाँ भाई, तो उसके लिए अगर आप एक छोटा सा टेबल लैंप ले आओगे तो आपकी आंखों के लिए बढ़िया है। उसके अलावा भाई अगर मैं और छोटी मोटी बातें करूँ तो भाई वो आपके पर्सनल चीज़ होते हैं कि आप कैसे करोगे। उसके अलावा भाई इस साइड में जैसे कुछ कपड़े वपड़े टांगने के लिए चीज़ें टांग रखी हैं यहाँ पे, कि ऐसे एक दो चीज़ें जरूरी होती हैं थोड़ा कपड़े वपड़े टांगने के लिए, मैंने ये लगा रखा है कपड़े टांगने के लिए, मैं रूम मेट ने लगा रखा है, हमने पीछे आप उनसे कहोगे तो यहाँ पे आपकी ये लग जाती है, इसमें आप थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े टांग सकते हो। उसके अलावा अगर जरूरी चीज़ों की बात करें तो आप एक लॉन्ड्री बैग ले आओ अपना, जिसमें आप गंदे कपड़े रख लो, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और अगर उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें भाई, बाल्टी मग्गे तो सबको ही लाने पड़ेंगे, और अपने लॉक वगैरह ले आओ ताले, जैसे मेरी अलमारी में भी तीन ताले लगे भाई, ठीक है थोड़ा सा डाउट है, फिर भी तीन लगा के रखता हूँ भाई मैं। भाई ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें जो थोड़ी मोटी एक्सटेंशन जरूर लेके आना भाई, क्योंकि टेबल के नीचे एक ही प्लग है, तो आप उस एक प्लग से सबको नहीं कनेक्ट कर सकते हो आपको, स्पेशली जो गेम खेलने वाले हैं यहाँ पे बैठ के, उनके लिए बता रहा हूँ भाई, अपना एक्सटेंशन के अपना एक्सटेंशन कॉर्ड जरूर लेके आना। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी भाई जब तुम आओगे ये चीज़ें वो हैं जो तुम ला सकते हो, मतलब वो चीज़ तो ले आओ विदाउट कुछ करे। इसके आगे अगर तुम्हें कुछ और चीज़ चाहिए, तुम जितना इसमें रहोगे तुम्हें उतनी चीज़ों की कमी पता लगेगी, तुम लेके आओगे। वैसे कमरा सबको सही है और छोटी मोटी चीज़ हर जगह लगती है। हाँ तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपने भाई का रूम दिखा दूँ, ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इससे पहले जो रूम देखा है वीडियो की स्टार्टिंग में वो देखिए, और जो भाई ने कर रखा है इसे देखिए, काफ़ी सही बना रखा है। तो आइए अपने दूसरे भाई के पास चलते हैं, उसे पूछते हैं उसे क्या क्या चीज़ें लगी। हाँ तो गाइस हमारा भाई एक चीज़ बताना भूल गया, जो कि भाई की रैक, जो कि बता रहे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा भाई बताइए अपने जूनियर्स को क्यों ये ज़रूरी है। भाई मतलब ये मेरे को लगती है, बहुत कम लोगों के रूम में देखे, मतलब इससे तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान रखते हुए, जैसे मैंने अपनी कॉपीज वगैरह रखी हुई जो आज तक यूज़ नहीं हुई, फिर भी रखी हुई है। और भाई ड्रॉर थोड़ी छोटी है, तो आप हर चीज़ में नहीं रख सकते, स्पेशल मेरे टेबल पर दो ड्रॉर है, तो इसमें हर चीज़ नहीं रख सकते, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप इस चीज़ को ला सकते हो। भाई जब मैं पेंशन आया था तो मेरे को इसकी कमी खली थी, तो मैंने फिर घर से मंगवाई थी बैग दो चार दिनों में, तो मेरे को लगता है मैंडेटरी है। अब मैं सेकंड ईयर में आ गया हूँ, सेकंड ईयर में हॉस्टल में रहा हूँ, अभी मेरे काम ही आ रही है, तो मुझे लगता है भाई कि मैंडेटरी है भाई, बाकी तो गाइस देख ही सकते हैं आप, किसी भाई को लानी हो तो लेके आ जाओ, कोई दिक्कत है नहीं, मना है नहीं, और बाकी कैटल वगैरह अलाउड है नहीं। हाँ तो गाइस हम हॉस्टल का तो आपको बाद में दिखाएंगे, पहले बर्थडे सेलिब्रेशन देखिए बेनिट में। ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट होता है। हाँ तो गाइज ये हमारे ट्रिपल शेयरिंग रूम है, तो देख ही सकते हैं ऐसे बहुत गंदा कर रखा है इस भाई ने। तो मिलिए, ये हमारा डे स्कॉलर था जो कि इस सेमेस्टर में हॉस्टल हो चुका है। तो हर्ष भाई सबसे पहले तो हमें बता दो कि आप डे स्कॉलर से हॉस्टल में क्यों आए हो। क्या बोला तूने? बात तो सही है। नहीं बताऊंगा। A few moments later. क्या बता रहा हूँ तुझे, प्रयारी भाई बात है। क्या बता रहा हूँ?
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। हाँ तो गाइस ये हमारे ट्रिपल शेयरिंग रूम है और ये हमारा तन्मय भाई है। तो भाई सबसे पहले बताओ कहाँ से हो? से। तो भाई आप इतने दूर से यहाँ बनेट नोएडा आए हुए हो, तो सबसे पहले थोड़ा हमें कॉलेज के बारे में बताओ। आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है, कैसा रहा आपका? फर्स्ट सेमेस्टर तो ठीक रहा, सेकंड सेमेस्टर ज़्यादा रहा नहीं सर। अच्छा अभी बैठा हूँ, इस बार कोशिश करूँगा रहने के लिए कॉलेज। हाँ तो भाई हमारे पहले डबल शेयरिंग ले रखा था, तो भाई ट्रिपल शेयरिंग में शिफ्ट हो चुका है। हमें डबल ही दिया था मैंने, लेकिन ट्रिपल में डाल दिया। अच्छा जबरदस्ती दे दिया है। चलो कोई भाई, भाई तो ट्रिपल शेयरिंग में रह के कैसा लग रहा है? भाई छोटे से जगह में तीन लोग रह रहे हैं। तो मतलब सजेस्ट करोगे ट्रिपल शेयरिंग बढ़िया है डबल शेयरिंग से? कुछ डबल शेयरिंग बढ़िया है, डबल शेयरिंग मत, ट्रिपल शेयरिंग परेशान हो जाएंगे। अच्छा तो भाई भाई मना कर रहे हैं ट्रिपल शेयरिंग की, बाकी देख लेना तुम। और भाई हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि जो मतलब हॉस्टल से आने से पहले पता होनी चाहिए, मतलब हम बेसिक थिंग्स होनी चाहिए जो नेसेसरी हों। बेसिक थिंग्स, लैपटॉप चाहिए होगा? नहीं मतलब जो चीज़ हम भूल जाते हैं जो ज़रूरी है वो बता। और लाइक यू हैव टू हैव अ ब्लैंकेट विद यू, और लैम्प का ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो फैसिलिटीज मिल जाता है। और या बाकी तो योर बेसिक एसेसरीज है। Whatever thing you think is necessary for you, take it with you. और कपड़े लाओ, definitely. Don't forget your clothes. Shampoo, conditioner, साबुन, दूसरों का साबुन इसमें अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक कह रहा भाई। और भाई कुछ और चीज़ें बताना चाहोगे? कुछ और चीज़ें, और इसका खाना बहुत गंदा है तो पैसे मतलब पैसे लेके आना। बाकी आप देख लो, एंड बेस्ट ऑफ लक इफ यू टू मेक द बजट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ तो गाइस तो अपनी वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। जो भी क्वेश्चंस आपको हॉस्टल से रिलेटेड हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, और डीएम कर देना फॉर अनदर गाइस।